वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मेघा एंड फॉर टुडेज आर्टवर्क हम ये वुडन प्लैंक यूज करेंगे एंड आप जो भी साइज में यूज करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। मैं इस साइज में यूज कर रही हूँ। सो टू बिगिन विथ आई एम अप्लाइंग जेसो ऑन माई वुडन प्लैंक। करंटली आई एम अप्लाइंग जस्ट वन लेयर ऑफ जेसो। इफ रिक्वायर्ड आई विल बी अप्लाइंग टू लेयर्स ऑफ जेसो। सो आफ्टर अप्लाइंग टू कोट्स ऑफ जेसो दिस इज माई फाइनल लुक। एंड अब मैं अपने बैकग्राउंड का कलर कर लूँगी। सो ओवर हियर आई एम डूइंग लीफ ग्रीन कलर बट इवेंचुअली आई फेल्ट दैट इट इज नॉट लुकिंग गुड एंड आई एम पुटिंग अ पर्ल एमरल्ड कलर ऑन द बैकग्राउंड। सो गाइज आई हैड पर्ल एमरल्ड कलर सो आई डिड इट। इफ यू डोंट हैव यू कैन मिक्स वाइट blue and yellow color to get this color. So with the help of a white pencil I will just trace whatever I want to make on this plank. Oh, here I have written mummy ka dhaba open 24 hours. So main aapko batana bhool gayi guys ki ye jo main art hai art to apne ka bola na hue। सो जोक्स अपार्ट गाइस मैं आपको ये बता रही थी कि जो भी मैं ये आर्ट बना रही हूँ ये किचन वॉल डेकोर है एंड ये ब्यूटीफुली आप डेकोरेट करके अपने किचन में लगा सकते हैं। और अगर आप किचन में काम नहीं करते तो आप अपनी मम्मी के लिए ये बना सकते हैं और इसे आप मम्मी को गिफ्ट कर सकते हैं एंड इट विल लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप मम्मी हैं तो आप अपने खुद के लिए बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फ्राइंग पैन बना रही हूँ। नाउ आई विल बी जस्ट मेकिंग ग्रासेस ऑन माय आर्ट पीस टू गिव इट अ नेचुरल लुक। Now I'll write open 24 hours on my frying pan. So as you know that this is a kitchen wall decor, so I'm just writing a love served here over here and ye embellishment hai जो मैंने इट्सी बिट्सी से मंगाया था। और मैंने मेरे जो इट्सी बिट्सी का हॉल वाला वीडियो है उसमें मैंने इसके बारे में आपको बताया है। अगर आपको ये अच्छे लगे तो आप उसमें जाके ज़रूर देखें एंड मैं इन एम्बलिशमेंट्स को यहाँ पे स्टिक कर दूँगी एंड मैं अब मेरे एक्रेलिक कलर से कुछ रोज़ यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। So to enhance the look, I am just giving a black border around Mummy Da Dhaba. आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये आर्ट पीस कैसा लग रहा है। आप अगर चाहें तो इस तरीके से भी अपने वॉल पे हैंग कर सकते हैं बट मुझे इसमें थोड़ा सा और अच्छा लुक देना है तो मैंने ये कुछ क्ले से एपॉक्सी कंपाउंड से कुछ छोटे छोटे आइटम्स बनाए हैं। सो मैं इन्हें यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ। अगर आपको जानना है कि मैंने कैसे बनाए हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी
एंड आप ये सब चीज़ जो मैंने बनाया है ये सब चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। मैंने शेफ्स हैट बनाए हैं क्योंकि हमारी मामा बेस्ट शेफ़ होती हैं, तो वो मैंने बनाया है। मैंने बेलन बनाया है, छोटे छोटे चम्मच बनाए हैं एंड मैं इन सबको यहाँ पे स्टिक कर दी एंड ये मेरा फाइनल लुक है। मेरी मामा को तो ये बहुत पसंद आया एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड कि उन्हें ये अपने किचन में हैंग करना है। आप सब भी अपने किचन के लिए ये ज़रूर बनाएं एंड अपने किचन को और ब्यूटीफुल बनाएं। क्यों? क्योंकि किचन इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर हाउस। अपनी मामा को ये गिफ्ट करें एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।